जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपके साथ फाइनल अकाउंट्स मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि कम से कम कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 और कॉन्सेप्ट नंबर 5 कर लिया है, जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट 1, 2, 3, 4 नहीं किया है, कर लें, कॉन्सेप्ट 5 भी कर लें और फिर इस क्वेश्चन पर आ जाएं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हम क्या बनाने वाले हैं सर? अ मर्चेंट हैज अर्न अप नेट प्रॉफिट ऑफ 57,200। जैसा ही मैंने बताया था आपको कि नेट प्रॉफिट की इमेज सर कैसी होती है, नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल में जाकर जुड़ता है। मैं आपको वही उन्हीं टिप्स पर, उन्हीं ट्रिक्स पर लेकर चलूंगा जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 5 में 10-10 बार कम से कम आपको रिवाइज करते हुए माइंड में कॉन्सेप्ट को डाला था। क्या थी वो सर ट्रिक्स, टिप्स, या जिनको आप जो भी अच्छे से नाम दो, वो थी सर रियल एंड पर्सनल अकाउंट। कम हेयर, आपको जगह दी गई है एसेट्स में। उन्होंने कहा ऐसे कैसे एसेट्स में? उन्होंने कहा रियल एंड पर्सनल अकाउंट, क्या गलती हो रही है, रियल एंड पर्सनल अकाउंट आपको जगह सर ट्रेडिंग पेडल बनाते बनाते आपको लग रहा है उन्हीं का शौक पड़ गया है। सर आपको जगह दी गई है एसेट्स में, हे रियल हे पर्सनल अकाउंट दोनों बेबी इधर आओ, डेबिट बैलेंस है तो एसेट में चले जाना। रियल एंड पर्सनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस है तो एसेट्स में चले जाना। एग्जाम्पल के लिए रियल एंड पर्सनल अकाउंट के सर डेबिट बैलेंस कौन से होते हैं? लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, डेटर्स, लाइव स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, सर काफी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इंटरेस्ट, सर बहुत सारे हो गए। चलिए शुरू करते हैं हम बैलेंस शीट बनाना। तो गाइस, मर्चेंट ने प्रॉफिट अर्न किया है 57,200 का, चूंकि कैपिटल में जाके जुड़ेगा, एसेट्स में कहीं नहीं आएगा, न लाइबिलिटीज में डायरेक्टली कहीं नहीं आएगा, कैपिटल में जुड़ेगा। ओके सर, हम समझ चुके हैं, यह आपने कॉन्सेप्ट 5 में बता रखा। व्हाट ऑफ व्हाट, सारे दोस्तों सब लोग तैयार? कैश एट बैंक, बैंक में हमारा कैश है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, रियल या पर्सनल? सर इतना डीप में पढ़ाएंगे आप, पढ़ लेते हैं जब तक है समय। पहला क्वेश्चन है, एनर्जी से अगर शुरू नहीं करेंगे तो आगे की क्वेश्चन कैसे करेंगे? 4800 सर, कैश इन हैंड 1200 रुपये, कैश इन हैंड सर, कैश इन हैंड भी आएगा, एसेट्स में ही जाएगा। सर रियल अकाउंट होता है या पर्सनल? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, कैश रियल अकाउंट होता है, दुनिया का हर बच्चा जानता है, जिसने 11th में एक दिन भी पढ़ाई करी है मजाक में, उसको भी पता है कि कैश रियल अकाउंट होता है, क्योंकि पहले ही दिन बताया गया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश रियल होता है और कैपिटल पर्सनल होता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मैंने अभी एग्जाम्पल में लिया था सर, आप उन्हीं उसी बेसिस पर डाल रहे हो कि रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर होगा तो आप उसको एसेट साइड में डालेंगे। बिल्कुल, डेटर्स 80,100, कुछ बच्चे तो हिंदी देख के डर रहे होंगे, 80,100 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक, सर सबसे बड़ा दिक्कत वाली चीज ये है कि कब डालें। सर मैंने अभी कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आपको बताया था, देखो दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए कन्फ्यूज़ होना, स्टॉक के लिए कभी कन्फ्यूज़न हो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की वीडियो पर जाएं, जिसका नाम रखा है मैंने स्टॉक की कलेश, आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी स्टॉक के बारे में। फिर भी एक जानकारी, वहाँ नहीं जाने का मन हो, अभी इच्छा ना हो, कभी समय निकालेंगे तो सुन लो मेरी बात, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। ऊपर दिया हो, नीचे दिया हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो, लिस्ट में दिया हो, कहीं दिया हो, सर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ भाई हाँ, क्लोजिंग स्टॉक है ये, बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पर बन रही है, और जो भी मेरी दुकान पर एसेट रखी है, अरे सर गुस्सा क्यों कर रहे हो, जो भी मेरी दुकान पर स्टॉक रखा है मेरी एसेट नहीं है, कह रहे बेचूंगा पैसा नहीं आएगा क्या? अच्छा सर एक बार एसेट के बारे में बता दो, जैसे आप एक लाइन में बताते हो कि वो हर खर्चा जो घर का या घर वालों का होता है उसे ड्राइंग्स बोला जाता है, जैसे आप बताते हो रियल एंड पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट बताया जाता है, एक लाइन एसेट के बारे में बोल दो जो हमारे दिल को छू जाए, जो हम आपको कमेंट बॉक्स में जो बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया से कमेंट करते हैं, वैसे कमेंट करने का मन करेगा। सुनो, हर वो चीज़ एसेट्स है जिससे आपको पैसा आए, हर वो चीज़ एसेट्स है जिससे आपको पैसा आ जाए। मतलब सर आप बेचना वर्ड नहीं बोल रहे, देखो कैश एट बैंक पैसा ही है यार, कैश इन एंड पैसा ही है यार, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बेचोगे पैसा आएगा, डेटर्स बेचोगे नहीं पर रियलाइज कराओगे पैसा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक बेचोगे पैसा आएगा,
हर वो चीज़ जिसमें आपका पैसा छुपा हुआ है वो आपकी एसेट्स है, जिससे आपको पैसा मिलेगा, जिससे आपको पैसा मिलेगा। सर अच्छी लाइन है, बट हमें तब भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो तो हम क्या करें? आप हमें कमेंट करिए। मज़ा है दोस्ती बनाने का, कम्युनिकेशन का और डिस्कशन करने का, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बहस नहीं, डिस्कशन। मोटर कार 40,000 रुपये, बिल्डिंग क्वेश्चन करते भटकाओ मत रे, 1,50,000 रुपये, इधर देख रहे हो नहीं, 1,50,000 साथ साथ पेन चलना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 रुपये। सर ये तो एसेट्स ही एसेट भर के दे रहा है, सर ये तो एसेट्स ही एसेट भर के दे रहा है। मेरे भाई तुम कहाँ खड़े हो, डेबिट बैलेंस में? अच्छा सर, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपकी लाइन देखनी है, बस वो एक लाइन पर वर्क करना है हमें। किस पर? हर वो रियल एंड पर्सनल अकाउंट जिसका बैलेंस डेबिट हो वो एसेट्स होता है। रियल एंड पर्सनल अकाउंट जिसका बैलेंस डेबिट हो वो एसेट्स होता है। सर ये तो मज़े वाली चीज़ है, पर उसके लिए मेरे दोस्त थोड़ी मेहनत करना कि रियल एंड पर्सनल अकाउंट पहचान लेना। ऐसा ना हो कि आप उसके चक्कर में नॉमिनल अकाउंट गलती से डाल दें। सर यहाँ तो लग रहा है कुछ दिया ही नहीं नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग्स दिए, ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है, ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट होती है। क्या मैं एसेट्स में डालूं? मुझे रोको। सर नहीं सर, इतने उत्सुकता नहीं, इतनी इंकरेजमेंट नहीं, काफ़ी है। बोलो एसेट्स में डालूं ड्राइंग्स को? नहीं सर, कैपिटल में एडजस्ट होगी, जैसे नेट प्रॉफिट होगा। इतना गुस्सा मत करो सर, हमें आता है। कैपिटल ढूंढो, 3,32,300 कैपिटल है आपकी, 3,32,300 नेट प्रॉफिट बताओ, ऐड करोगे या लेस? पहले देख लो 57,200 यानी 57,200, जैसे मैंने वहाँ रेड पेन उठाया था वैसे ही यहाँ उठाऊँगा। तब तक कराऊँगा जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाएगा। मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखने वाला हर बच्चा नहीं बोलेगा सर मुझे आपकी वीडियो से समझ आ गया। 57,200 टोटलिंग कर लो सर। इतनी जल्दी क्यों है टोटलिंग? क्योंकि अभी लेस वाला दोस्त आने वाला है। 3,358 सही कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तुम्हारी है। सर रेड पेन उठाइए सर। ड्राइंग्स सर, हमें ड्राइंग्स पहचाननी नहीं थी इसमें। जैसे आपने एक लिस्ट दी है कॉन्सेप्ट नंबर 5 में कि मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंस, मेरा गिफ्ट डॉटर, हाउस रेंट, घर का या घर वालों का खर्च, ऐसा भी नहीं आएगा। आएगा वह भी क्वेश्चन आएगा। 6,000 रुपये लेस करेंगे तो हमारा आउटर कॉलम में आएगा। सर ये इनर कॉलम आउटर कॉलम यूज़ कब करते हैं? सब बताएंगे, सब कुछ नहीं छूटेगा। 3,83,500 किसी को डाउट है क्या? बोलो रे, ड्राइंग्स यहाँ जाएगी क्या? ड्राइंग्स सर, ड्राइंग्स यहाँ नहीं जाएगी सर, ड्राइंग्स यहाँ से लेस होगी। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस कर दी। कैपिटल वो पैसा जो हमने बिजनेस में लाया, ड्राइंग्स वो पैसा जो हमने बिजनेस से निकाला है। बिल्स पेबल, व्हाट मजा आ गया। बिल्स पेबल किसी को डाउट हो तो रेड पेन में लिख लेना। पेबल वाली चीज़, अरे क्रेडिट बैलेंस है सर। अरे सर ठीक है। पेबल वाली चीज़ हमारी लाइबिलिटीज़ होती है और रिसीवेबल वाली चीज़ हमारी एसेट्स होती है। क्रेडिट सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिटर, हर वो पर्सनल अकाउंट जिसका बैलेंस क्रेडिट है, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। लोन का भी मैंने एग्जांपल लिया था, लोन हमारा 50,000 रुपया। सर एक बार हमें अब से डाउट कर रही है, कब से कर रही है? जब से आप कॉन्सेप्ट 5 पढ़ा रहे हो तब से कर रही है। मैं उसका जवाब नहीं दूंगा सर, हमें बात तो बता दो कम से कम कि वही है कि नहीं। आपका डाउट है थोड़ा बहुत मन में कि सर रियल एंड पर्सनल को यहाँ बिना भेदभाव के डेबिट बैलेंस में एसेट्स दिया गया, पर यहाँ रियल को बाहर निकाला है, पर्सनल को ही सिर्फ एंट्री क्यों मिली है? इसका जवाब हमें चाहिए। जब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, हम खूब डिस्कशन करेंगे, तब दूंगा जवाब। अभी नहीं सर, अभी आप सिर्फ टोटल करिए। आप और मैं दोनों जने टोटल कर रहे हैं, देखो किसका जल्दी आएगा। मुझे खुशी होगी अगर आपका आएगा तो। 4,98,000 इधर का तो आ गया, इधर का ईश्वर करे जल्दी आ जाए। 8, 10, 15 सर आप भी ऐसे विनती कर दो, हम भी करते हैं अकाउंट्स करते समय। 8, 10, 15, 16, 4, 20 ओहो आ गया, थोड़ा सा तो लग रहा है।
गया, थोड़ा तो लग रहा है कॉन्फिडेंस। 3, 15, 30, 34, 41, 49, जय हो मैच हैंस प्रूव्ड। ओके सर, तो हमारी थी ये एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज कैपिटल का एडजस्टमेंट। जिस बच्चे को नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना रे, छोड़ना नहीं है, साथ साथ रहना हम दोनों को, आपको और मुझे। इधर कुछ ही नहीं समझ में आई, बट डेबिट बैलेंस मैंने उठाया है, सिर्फ रियल एंड पर्सनल अकाउंट देखा और आंख बंद करके डाल दिया इधर, फिर भी नहीं समझा है। मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स आपकी वो चीज़ें होती हैं जो आप किसी और कंपनी के शेयर, डिवेंचर, जमीन में कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आपको जब बेचोगे तो पैसा मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल आप जानते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा है, इसने नहीं पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, आपका कोई डेटर होता है वो आपको बिल साइन करके दे जाता है। एक समय आएगा 2 महीने 3 महीने बाद, उस आप बिल पकड़ा दोगे और पैसा दे लोगे। प्लांट एंड मशीनरी से आप वाकिफ हो गया, जिस जगह पर आप प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करते हो उसको बेचोगे एसेट को, प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट होती है। फिर भी मैं ब्रीफ डिस्कशन, मैंने बेसिक वीडियो डाल रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, क्या हम क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी वीडियो में करें? सर क्वेश्चन नंबर 15 की हम वीडियो नेक्स्टली क्वेश्चन नंबर 15 से ही शुरू करेंगे, और उसमें सारे के सारे, कोशिश करूंगा मैं कल या परसों तक आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं, ताकि हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे भी तो जाएंगे, नया चैप्टर भी तो करेंगे। सबसे ज़्यादा मज़ा तो सर वहीं आएगा, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत तो वहीं है, तब हम देखेंगे कि हमें कितना समझ आ रहा है। तो गाइस, जय हिंद जय भारत टू ऑल ऑफ यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बी हैप्पी ऑलवेज। बट यार जो हमारे कमेंट है ना, ऑसम, सच में मन करता है 10-10 बार थैंक यू बोलूँ तुम्हें एक एक कमेंट पर। ओके सर, थैंक यू, बी हैप्पी।